धनबाद में मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले शहर के पुराना बाजार में रक्तदान शिविर का मंगलवार को आयोजन किया गया, जिसमें 30 से 40 यूनिट ब्लड जमा करने का लक्ष्य रखा गया। मौके पर डॉक्टर निर्मल डोलिया ने बताया कि जिले के व्यवसायी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तथा समाज के प्रति अपना योगदान भी देते हैं। ऐसे में वैश्विक महामारी कोरोना काल में जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने का उद्देश्य मंच के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में एडीएम लॉन एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने शिविर में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बताया कि समाज में व्यवसायी वर्ग लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है और महामारी काल में रक्तदान जैसे नेक कार्य में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी। एक तारीख से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लड़के जो हैं वैक्सीन शुरू होने लगे, उसके पहले 18 साल से जो बच्चे कम उम्र या 18 साल से ज़्यादा जो युवा हैं उनसे क्या अपील कीजिएगा इस 3-4 दिनों के दौरान रक्तदान को लेकर? देखिए, रक्तदान हमेशा महत्वपूर्ण है। जब आप एक ब्लड डोनेट करते हैं तो आप किसी की जान बचा रहे हैं। तो जो प्रोटोकॉल है, जो ऐसे हमारे गाइडलाइंस हैं, उनके द्वारा ये वैक्सीन के एक मंथ के अंदर आप वो वैक्सीन बहुत पक्षी पड़ रहा है तो एक अच्छे खासे समय तक ब्लड वो डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके पहले ही अगर वो ब्लड डोनेट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा उपकार मिला है। और दिन बैठकर हम अपील करते हैं कि ऐसे लोग आगे आए और ब्लड डोनेट करें, इस महापुण्य का एक अधिकार करें। मारवाड़ी जो है बहुत दिनों से यहाँ पर जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है और धनबाद के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कोई संस्था जो है स्वेच्छा से एक मोटो लेकर के जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप कराती है। जनरली ये होता है कि लोग बोलते हैं बिजनेसमैन कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादातर मेंबर यहाँ के जो है बिजनेसमैन ही हैं और वो लोग जो है तन मन धन से इस सेवा में लगे हुए हैं। आज का 25 से 30 यूनिट डोनेशन करने का टारगेट है। अब तक कितने यूनिट हो चुके हैं? अभी तक 10 यूनिट जो है लिए जा चुके हैं और लोग अपना धीरे धीरे आएंगे, आकर के सब डोनेट करेंगे।